नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आप सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे और आपको भगवान सभी खुशियाँ प्रदान करें जुलाई के महीने में, ऐसी शुभकामनाएं। आज के वीडियो का विषय है मकर राशि। जुलाई 2019 के महीने में यह अशुभ योग या यह अशुभ तारीखें आपके जीवन में, आपकी होने वाली तरक्की में बाधा पैदा कर सकती हैं, तो आपको इनसे बच कर निकलना होगा, इनसे बच कर आगे निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा। गुलाब का पेड़ आप सभी ने देखा होगा, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, अनेकों फूल खिलते हैं और बहुत खूबसूरत होता है गुलाब का फूल, लेकिन गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। जरा सी असावधानी बरती आपने तो कांटा चुभ जाता है और कांटा चुभ जाता है तो तकलीफ होती है। एक छोटा सा कांटा बहुत बड़ी तकलीफ दे सकता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ऐसे ही जुलाई के महीने में आपकी जो खुशियाँ हैं वो बहुत बड़ी हैं, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं, लेकिन उसमें छोटे छोटे से कांटे भी होंगे, तो इन कांटों को हमें दूर करना है। इन कांटों को पहले समझना होगा कि कौन ये कांटे पैदा कर रहा है। जब हमें जड़ का पता होगा कि कांटे आ कहाँ से रहे हैं, तब हमें पता होगा कि इन कांटों को दूर करने का उपाय क्या है। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप भी जुलाई के महीने में खुशियों का आनंद लेंगे, लेकिन इन कांटों को दूर करने के बाद। तो चलिए, मैं चाहता हूँ कि आपके राह के, आपकी तरक्की के बीच में जो भी कांटे, जो भी परेशानियाँ आएँ, उसको ज्योतिष के माध्यम से हटा दिया जाए और आप खुशियाँ पा सकें। तो वीडियो में मैं उपाय भी बताऊँगा कैसे इन कांटों को साफ किया जाएगा, कैसे इन कांटों को बिल्कुल आपके रास्ते से हटा दिया जाएगा। और वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ मुस्कुराहट है। जब गुलाब के फूल को आप किसी को देते हैं, उसमें कांटे नहीं होते हैं, तो देने में भी आसानी, लेने में भी आसानी। तो इसी प्रकार आपके जीवन में जो सुख आएंगे, उसको आप भी अच्छे से उपयोग कर पाएंगे और सामने वाले को भी आप खुशियां दे पाएंगे जब ये कांटे हट जाएंगे। तो डरिए नहीं, समझिए और अपने जीवन से कांटों को हटाने के लिए जुट जाइए। बताऊंगा मैं कैसे और कब और क्या उपाय होंगे। सरल उपाय होंगे, घरेलू उपाय होंगे, कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, आसानी से हो जाएंगे और जुलाई का महीना यादगार बन जाएगा। और यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे लग्न राशि से देखकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला अशुभ संकेत आपको मिलेगा कौन से ग्रह के माध्यम से, आइए जानते हैं। तो 1 से 15 जुलाई तक छठे भाव में सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना रहेगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरत के चलना होगा। आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकते हैं, पिता से अनबन हो सकती है, पिता पुत्र में तनाव हो सकता है, आप अपनों की कद्र नहीं करेंगे, यानी रिश्तों में हो सकता है कि आप कद्र ना करें, बेइज्जती कर दें किसी की भी, खड़े खड़े किसी को भी कुछ अपशब्द बोल दें, आपको समझ नहीं आएगा कि कब क्या बोलना है, तोल मोल कर शायद नहीं बोलेंगे, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, वासना के चक्कर में फंस सकते हैं, अवैध संबंधों में फंस सकते हैं। जो लोग नौकरी व्यापार करते हैं, नंबर दो के रास्ते पर जा सकते हैं। जो लोग प्यार मोहब्बत में हैं, वो अपने जीवन साथी प्रेमी को धोखा दे सकते हैं और किसी दूसरी जगह पर चक्कर वगैरह चला सकते हैं। आंखों के रोग हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, शत्रुओं से विवाद इतना बढ़ जाएगा कि मार काट की नौबत आ जाए, लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी रोग, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं जो भारत में नहीं पूरे विश्व में लोगों को अपने काल का ग्रास बना रही हैं, इन समस्याओं से भी आपको जूझना पड़ सकता है। मामा नानी, इनसे रिश्ते खराब हो सकते हैं, परिवार में अशांति हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये ग्रहण दोष बीच बीच में आपको ऐसे कांटे चुभोता रहेगा। अब इस ग्रहण दोष को शांत कैसे किया जाए, शांत करने का उपाय बताते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या आपको करना है, सूर्य भगवान की उपासना करनी है, सूर्य भगवान को जल देना है। नंबर दो, पिताजी से अपने रिश्तों को सुधारना है, उनका आशीर्वाद लेना है। नंबर तीन, भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी है, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और भगवान शिव और भगवान हनुमान की उपासना पूरे महीने करती रहनी है, आपको निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। माँ सरस्वती की आराधना जरूर करनी है, क्योंकि उससे आपकी बुद्धि जो है वह निर्मल बनी रहेगी और आप गलत फैसले और गलत निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ये उपाय आपको जरूर करने हैं, इससे आपका यह समय अंतराल बेहतर जा सकता है और आप इन सभी दुष्परिणामों से बच जाएंगे।
जरूरत की चीजें पे जहाँ पैसा खर्च करना होगा नहीं करेंगे, उल्टी सीधी जगह खर्च कर देंगे, किसी की बहकावे में आके गलत निवेश कर देंगे, किसी के बहकावे में आकर उसको पैसा दे देंगे उधार और फिर वापस नहीं मिलेगा, ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं इस समय अंतराल में। तो बचना होगा आपको इन सब चीज़ों से, आपकी तरक्की जो है बाधित हो सकती है, आपकी छोटी सी गलती, आपकी एक मामूली सी गलती आपकी नौकरी में एक बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी पैदा कर सकती है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। तो मामूली सी गलती भी इस समय में आपकी बख्शी नहीं जाएगी यदि आपसे हो गई तो। इन उपायों को करिएगा, आप बचते जाएंगे और जो अन्य सुख हैं आपके जीवन में जो हमने अगली वीडियोज में आपको बताए हैं वो सब आप प्राप्त कर पाएंगे। हमेशा एक चीज जान लीजिए, कांटों को साफ किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, और ये कांटे इस महीने भी आएंगे, अगले महीने भी आएंगे, सारे जीवन आते रहेंगे। तो ये प्रयत्न तो आपको करते ही रहना पड़ेगा, किसी को ज्यादा मिलेंगे किसी को कम मिलेंगे, तो उसी हिसाब से आपको मेहनत और प्रयास करने पड़ेंगे। बात करते हैं दूसरे संकेत की, तो दूसरा संकेत आपको दे रहे हैं मंगल। मंगल सप्तम भाव में नीच के होकर बैठेंगे और मंगल जो है आपका अमंगल करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि मंगल वैसे भी अगर नीच के ना भी होते तो भी सप्तम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं और वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव देते हैं, तलाक जैसी सेपरेशन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और यदि आपका पहले से तलाक इत्यादि का सेपरेशन का लड़ाई झगड़ा कुछ भी चल रहा है तो उस पर एकदम से तेजी आ जाएगी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, कोई सोचेगा नहीं, ना आप सोचेंगे ना सामने वाला सोचेगा, जितना गंदा बोलना है जितनी गंदी जुबान बोलनी है जितने आरोप लगाने हैं लगाते चले जाएंगे, और रिश्ते वैसे ही खराब थे और जो बची कुची कसर थी वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि क्रोध पर वाणी पे किसी का संयम नहीं रहने वाला है। कोर्ट कचहरी के मामलों में पैसों की बर्बादी होगी, चक्कर लगेंगे, और कोर्ट कचहरी के मामलों में एक बार इंसान पड़ जाए तो उसकी जिंदगी वैसे ही आधी रह जाती है और वो भागदौड़ में ही फंसा रहता है, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, वाद विवाद बढ़ेंगे, दुर्घटनाओं का भय रहेगा। यह समय सावधानी से बिताने का है, क्रोध में कोई ऐसी बात बोल बैठेंगे किसी को कि बात का पतंगड़ बन जाएगा, अवैध संबंध स्थापित हो सकते हैं, लोग परेशान कर सकते हैं, शत्रु परेशान कर सकता है, बीमारियां परेशान कर सकती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप भूले बैठे होते हैं, अरे ये तो अब गायब ही हो गया, अचानक से सामने आकर खड़ा हो सकता है, किसी को आप भूले बैठे थे वो एकदम से सामने आ सकता है, रिश्तों को खराब कर सकता है, कर सकती है। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको यह समय बिताना होगा और मंगल को कंट्रोल में करना होगा। जब तक मंगल कंट्रोल में नहीं होगा तब तक आपको बीच बीच में परेशान करता रहेगा। तो करना क्या है, सुंदरकांड का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करिए आपको लाभ मिलेगा, और हो सके तो हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी की उपासना करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा, इससे मंगल का प्रभाव कम होगा। और आप चाहें तो बंदरों को केले खिला दें, गुड़ खिला दें, इससे भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करते हैं तीसरे अशुभ योग या तीसरे अशुभ संकेत की, तो शनि केतु का शापित दोष आपके 12वें भाव में बनेगा। अब शनि केतु का शापित दोष, देखिए यहाँ पे दो मामले हैं, यदि आपकी लग्न कुंडली जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो ये फायदा भी दे सकता है कि 12वें भाव का जो दुष्परिणाम है उनको समाप्त भी कर सकता है और आपको बहुत अच्छे फल प्रदान कर दे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, तो हम दोनों पहलू पे बात करेंगे। तो कुछ जातकों के साथ या जातिकाओं के साथ यह इतने अच्छे फल दे देगा कि आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपकी गाड़ी एकदम बढ़िया स्पीड से निकलेगी, लेकिन कुछ के साथ ऐसा हो सकता है कि अपने दुष्परिणाम दे दे। तो जैसे कि मानसिक पीड़ा होना, खर्चों का बढ़ जाना, अनावश्यक खर्चे बढ़ जाना, अब जिनके साथ अच्छा होगा उनके जो खर्चे बढ़ेंगे लेकिन वो अच्छी जगहों पे बढ़ेंगे, व्यापार में पदोन्नति में बढ़ गए, कहीं पे आपने कोई जमीन प्रॉपर्टी इत्यादि में पैसा लगा दिया जो आपको फायदा दे गया, और जिनका नुकसान होना होगा उनका पैसा डूब जाएगा। तो यहाँ बड़ी सावधानी से आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ पर 50-50 वाली स्थिति बनी हुई है, कुछ के साथ ऐसा कुछ के साथ ऐसा हो सकता है, हानि हो सकती है, आपके अपने ही आपको धोखा दे सकते हैं, जानकारी के अभाव में आप गलत निर्णय ले सकते हैं, दुर्घटना का भय बन सकता है, प्रेम संबंधों विवाह संबंधों में आपको तकलीफें आ सकती हैं, और छोटी छोटी तकलीफें बीमारियां आपको हो सकती हैं, आप नौकरी व्यापार जो भी करते हैं वहाँ पर आपकी जो है तरक्की होनी वहाँ पर रुकावट आ सकती है, कोई ना कोई अड़ंगा अड़ जाएगा, कोई ना कोई चीज़ ऐसी फंस जाएगी कि जिससे चीज़ें टल सकती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। और इसके विपरीत आपका विदेश जाने का सपना है, तो कुछ लोगों का सपना तो टूट जाएगा, विदेश जाने का कोई सपना था उसमें कोई ऐसा चक्कर चलेगा कि आपका सपना लगभग लगभग ऐसा लगेगा आप टूटने वाला है, बस टूटा कल टूट जाएगा या अब हो ही नहीं सकता, आपकी आशाएं निराशाओं में बदल सकती है। कुछ लोगों का सपना
ऐसा होगा कि बस टिकट आ गई, कल ही आपकी हाँ हो गई। तो ये स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। और प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार आपको रिजल्ट मिल सकता है, यानी किसी की जन्म कुंडली जो आपकी वास्तविक कुंडली है उसके आधार पे भी फल निर्भर करेंगे। तो फिर भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये सार्वजनिक जानकारी है कि किसके साथ अच्छा होगा किसके साथ बुरा होगा। जिसके साथ अच्छा होगा भगवान की कृपा है, जिसके साथ बुरा हो सकता है उसको बड़ा सावधान रहना होगा। वाणी में दोष हो सकता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में पैसे खर्च हो सकते हैं, नींद हराम हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसके लिए आपको उपाय क्या करना है, हनुमान जी की उपासना करनी है, शिव जी की उपासना करनी है, माँ सरस्वती की आराधना करनी है, अपने दांतों को साफ रखना है और भैरव बाबा की उपासना करनी है। तो यदि आपके जीवन में कष्ट होगा तो मिट जाएगा, और यदि कष्ट नहीं भी होगा तो आपका जो शुभ होना होगा वो महाशुभ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस समय अंतराल को लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इस समय अंतराल में अचानक से लाभ, अचानक से हानि की बहुत सारी आपको चीजें देखने को मिलेंगी। एक पल में करोड़पति, एक पल में रोडपति भी हो सकते हैं। तो बड़ा संभल के चलने वाली बात रहेगी इस समय अंतराल में। अगला अशुभ योग जो आपको मिलेगा 2, 3, 30, 31 तारीख को छठे भाव में राहु चंद्र का ग्रहण दोष होगा। अचानक से दुर्घटना बढ़ जाना, कर्जे बढ़ जाना, धन की कमी होना, शत्रु का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना, पारिवारिक तनाव, मान सम्मान में हानि, आंख में दर्द, पेट में दर्द, आपको का डाइजेशन बिगड़ सकता है, आपको अपमानित होना पड़ सकता है, आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, आपकी सीमाएं जो है वो तय की जा सकती हैं कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, आपके जो सीमा के क्षेत्र हैं उनको तय कर दिया जाएगा कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, यानी कि आप बंदी बना लिए जाएंगे, कहने का तात्पर्य ये है। तो संतान से कष्ट मिल सकता है इस समय अंतराल में, माँ की सेहत बिगड़ सकती है, तो बड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। उपाय वही रहेंगे, आपको सफ़ेद वस्त्रों का दान करना है, सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, भगवान शिव के ऊपर सफ़ेद चंदन से लेप करके जलाभिषेक करें, आपको इस समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी। 15 और 16 तारीख को चंद्रमा शनि के साथ विष दोष केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे। खर्चों का बढ़ जाना, अनावश्यक खर्चों का होना, अचानक से मुसीबतों का आ जाना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, पैसों की हानि होना, व्यापार में हानि होना, चली आ रही नौकरी व्यापार में ऐसी समस्याएं पैदा हो जाना कि एकदम से क्या करें क्या ना करें, झूठे आरोप लग जाना, झूठे आरोपों में फंस जाना, कानूनी विवादित मामलों में फंस जाना, गलती कोई और करे सजा आपको मिले, तो समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ है। और ये मामला गड़बड़ सही कैसे होगा, तो 4, 5, 16 तारीख को आपको बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि चंद्रमा और शनि विष दोष और चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे। तो ये आपका 5वां अशुभ संकेत है। हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ करें और इसके साथ साथ दान पुण्य करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। शनि मंदिर भी जाएं तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। शनि की शांति के लिए मंत्रों का जाप करें, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ आपको 6-7 तारीख को और 15 और 16 तारीख को और 25 और 26 तारीख को भी कुछ चिंताएं परेशानियां हो सकती हैं। इन सब से भी आपको संभल कर रहना होगा। इन तारीखों में कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो उसका हल इन्हीं उपायों में से निकल जाएगा। अब आप कहेंगे जब इतना सब कुछ अशुभ है तो शुभ क्या बचा? जी हाँ, बात आपकी भी जायज है, आपका भी प्रश्न बिल्कुल जायज है। ये जो चीजें अशुभ हैं इनको हटाई जा सकती हैं, ये हटेंगी तो सब शुभ हो जाएगा। देखिए, आप अपने एक पेन और कागज लीजिए, उसमें लिखिए अज्ञान, यानी कि मूर्ख। अज्ञान का मतलब हो गया जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके पास ज्ञान ही नहीं है तो वो अज्ञानी हो गया। अब अज्ञानी में से सिर्फ आ को काट दीजिए या मिटा दीजिए तो क्या बचा? ज्ञान। अज्ञानी क्या है? मूर्ख है। अज्ञानी क्या है? बेकार है, अशुभ है कह सकते हैं। और जब आ हट गया, आ मिट गया तो क्या बचा? ज्ञान। ज्ञान क्या है? वो शुभ है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इसी प्रकार से इन बुरे प्रभावों के दोषों को आपको मिटा लेना है, उसके बाद क्या बचेगा? सुख। ऐसे ही अशुभ में से आ मिटा दिया तो क्या बचा? शुभ। तो अशुभ में से आ मिटाने की मैंने आपको उपाय बताए और अशुभ क्या था वो भी बताए। तो जो समझदार लोग होंगे वो इसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे, जो लोग समझदारी नहीं दिखाएंगे वो लोग घबरा जाएंगे, घबराएंगे तो फिर और परेशान होंगे। तो घबराइए नहीं, समझदारी दिखाइए और अज्ञान में से आ को हटाइए, अशुभ में से भी आ को हटाइए, उधर से ज्ञानी बन जाएंगे, इधर से सब कुछ शुभ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ आया होगा और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें चैनल के साथ। हरिओम, नमस्कार।